आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम आईआरबी एनटीपीसी का सामान्य विज्ञान का 510 क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 7, जिसके अंदर हम बात करेंगे आईआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? सन 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। केलोमन का रासायनिक नाम क्या है? तो मक्यूरस क्लोराइड केलोमन का रासायनिक नाम है। फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। मानव शरीर में 20 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। घरेलू विद्युत लाइन में किस क्रम में लगाई जाती है? समांतर क्रम में लगाई जाती है। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। हरा कशिश का जो रासायनिक नाम है वो है फेरस सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हेनरिक क्वेंडिस ने हाइड्रोजन का आविष्कार किया था। प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? तो लुइस। प्रथम परख नली शिशु का जो नाम था वो था लुइस। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फेदोमीटर से क्या मापी जाती है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। सागौन का रासायनिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। सागौन का जो रासायनिक नाम है वो टेक्टोना ग्रैंडिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम और सोयाबीन में बहुतायत से क्या पाया जाता है? प्रोटीन। मशरूम और सोयाबीन में बहुतायत से प्रोटीन पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में क्या होता है? निर्जलीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। टीबिया नाम की हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? जीनोन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली एक अक्रिय गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है? T4 के नाम से। प्रसिद्ध आरडीएक्स को T4 के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन यानी कि CH4। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरोन। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है उसे न्यूरोन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तिरुता का मात्रक क्या है? कैंडिला। ज्योति तिरुता का जो मात्रक है वो कैंडिला। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम बाई कार्बोनेट। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? एस चंद्रशेखर ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो ब्लीचिंग पाउडर। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। धातुओं के अंदर जो ऑक्साइड की प्रकृति है वो क्षारीय होती है। कृत्रिम वर्षा कराने में क्या प्रयुक्त होता है? सिल्वर आयोडाइड प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। हल्दी का जो खाने योग्य हिस्सा है वह प्रकंद। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन।
तंबाकू की जो पत्तियां है उनके अंदर निकोटीन पाया जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? मिस्र देश से। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? बीज भाग से। पौधे का जो बीज भाग है उससे कॉफी प्राप्त की जाती है। मिनी माता रोग किसके कारण से होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता नामक रोग हो जाता है। हरा प्रोटोजाओ के नाम से किसे जाना जाता है? युगलीना को। युगलीना को हरा प्रोटोजाओ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन। दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है वो रेनिन एंजाइम। श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकांड्रिया में। श्वसन की जो क्रिया है माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का RRB NTPC का सामान्य विज्ञान का 510 क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 7। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले RRB NTPC के सामान्य विज्ञान के 510 क्वेश्चंस के वीडियो नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।